बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। इस वक्त मैं अपने गांव का मेला जहां पे लगता है, मेला ख़त्म हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। तो मेले में जो स्पेशल चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें से एक है सूजी की मिठाई, बहुत मज़ेदार होती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए आपसे भी शेयर करते हैं ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई रख ली है हमने चूल्हे के ऊपर, और ये कढ़ाई जो है इसमें बहुत सारा काम पहले हुआ है, इसलिए इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसमें हम डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम डालेंगे सब्ज़ इलायची खोल कर, 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची हैं ये डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने चाशनी तैयार करनी है, तो अभी हम शामिल करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाह, चीनी जो हमारी है ये 5 किलो है। अभी इसमें हम चम्मच जो है वो चलाएंगे। तो ये सूजी की जो मिठाई है ये विलेज में मेलों के ऊपर बहुत मशहूर है। विलेज में जो मेले होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बनाई जाती है और खाई जाती है। तो इस कढ़ाई में तकरीबन 4 से 5 दिन लगातार मिठाई बनी है ये वाली। तो ये बड़ा थाल है जिसमें मिठाई जो है हमने निकालनी है। तो इसको हमने पहले लेवल कर लिया ताकि सारी साइडें जो है वो एक जैसी हों। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, नीचे लगाएंगे। घी को जो है वो हम सारे थाल के अंदर लेप कर लेंगे हाथ की मदद से ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह, चाशनी हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी तैयार हो रही है। हमारे गांव का मेला जो है वो जुलाई की 26 तारीख को होता है और सावन का जो है वो 11 तारीख होती है, सावन के महीने की। और तकरीबन 10 दिन पहले ही दुकानें लग जाती हैं, और जब मेला होता है 2 से 3 दिन मेला रहता है और उसके बाद भी 4 से 5 दिन दुकानें रहती हैं। तो आज 29 जुलाई है, तो आज हम यहाँ पे मिठाई बना रहे हैं क्योंकि मेले वाले दिन रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए उस दिन नहीं बना सके। तो आज ये रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो अभी नीचे उतार लेंगे। तो अभी चाशनी में हम 3 किलो सूजी और 1/2 किलो मैदा जो है उसको मिक्स करके डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चम्मच चलाएंगे अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे। चम्मच जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे ताकि चाशनी और ये चीज़ें जो हैं ये अच्छे तरीके से निकले। सूजी और मैदा जो है वो 2 दफ़ा करके हमने डाला, और 3 किलो हमारी सूजी थी और 1/2 किलो जो था वो मैदा था। मिक्स करके दोनों चीज़ों को चाशनी के अंदर डाल दिया। अभी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे, कोई डेली वगैरह जो है वो नहीं रहनी चाहिए। कदम हमारे पास मुरब्बे के, और इसमें आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। मेलू में ज़्यादातर जो है वो ये मुरब्बा जो है सिर्फ यही डाला जाता है, तो हम भी मुरब्बा ही डालेंगे।
रहमान रहीम। अभी हम इसे ट्रे में पलट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह जम गया और ठंडा हो गया और तकरीबन इसे 40 से 45 मिनट लगे हैं ठंडे होते हुए। तो अभी इसकी हम कटिंग करेंगे छुरी की मदद से। इसकी टुकड़ियां हम बनाएंगे छोटी छोटी, जैसे मिठाई की बनाते हैं। ट्रे के नीचे जो हमने घी लगाया था उससे ये होगा कि ये नीचे जो है वो चिपकेगी नहीं, आसानी से बाहर निकल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ हम निकालते जाएंगे। और ये दूसरी प्लेट है हमारे पास, इसमें रखते जाएंगे। तो ये गरी का बूरा कह लें, चूरा कह लें, ये इसके ऊपर लगता है गार्निश के लिए। और इसका कलर जो है ये देखिए पैरेट कलर का। तो मेले में इसी तरह इसको सजाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई हमारी बिल्कुल तैयार है, सूजी की मिठाई। तो अभी हमारे विलेज के बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको चेक करवाते हैं। और माशाल्लाह से बहुत नरम और ख़स्ता बनी है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। लाला जी सही बन गई है, बहुत मजेदार बन गई है। तो यहाँ पे छांव बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर हमारे गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो यहाँ पे दोपहर जो है वो आराम करते हैं, हुक्का पीते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी महफिल यहाँ पे जमती है। तो ये दादा जान है हमारे और इनकी एज, लाला जी कितनी उम्र होगी है? 115 साल माशाल्लाह इनकी एज है और ये चल फिर सकते हैं माशाल्लाह। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं आते हैं। अभी ये जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ये हमारे गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे है और यहाँ पे ये डेली चल के आते हैं 2 से 3 चक्कर। तो सही बन गई, मज़ेदार है, बहुत बेहतरीन। तो फिर मतलब महफल पाई गई है।